मैं क्या कहूँ, हमारे में इतना अभी हौसला नहीं, इतना अंधोनाक दर्दनाक जो हमारे साथ सहना हुआ है कि इतना जुल्म हुआ है कि अभी तो हमें होश नहीं है कि घर वालों ने बताया कि पुलिस आती थी, चाय पिया, खाना खिया, जरा चक्कर लगा के चले जाते थे, लेकिन मेरे अजीजों का दोस्त उन्होंने रात दिन अहले मोहल्ला ने एक किया हुआ था, हत्ता कि उन्होंने सो के नहीं देखा, इतने दिन खाना नहीं खाया। हम वहाँ मदीने में थे, मक्के से मैं थे, हमारी वहाँ नींदें उड़ी हुई थी, वो कह रहे थे आओ तो दुआएं करें, अल्लाह ताला आसानियाँ बता, हम इधर कोशिश कर रहे हैं। तो हम हाँ जी ये बताइएगा कि पुलिस ने आपके ताबून नहीं किया? नहीं, वो कह रहे हैं कि पुलिस आती थी, थोड़ा बहुत चक्कर लगा के चाय पिए या खाना खाया, चक्कर लगा के चले जाते थे, कोई मतलब पुलिस का खतर खाता हमने हाथ नहीं रहा। हमारे अपने लोगों ने, दोस्तों ने, अजीजों ने, रिश्तेदारों ने देर रात एक कर दिया बच्ची को ढूंढने के लिए, इतनी उन्होंने इतनी सर्द की कि जिसका तसव्वुर नहीं, बेचारे इतनी सर्द रातों में ना वो सोए ना उन्होंने कुछ खास खाया, और उसके बावजूद हमें ये नतीजा उसका मिला इंतजामिया की सर से। कि देखो टेस्ट हुआ है उसमें दो वो देखें जो बंदे वीडियो में आए हैं देखे हैं उन्होंने, स्टिल इन्हों चाहिए था कि अदर जो फ्रांसी एजेंसियाँ जो दो इंटेलिजेंस थी उनको एक्टिव करते, उसको फौरी उसके बार कोई ना कोई एक्शन लेते, उसको ट्रेस गप्त करते, लेकिन वो तो उन्होंने कहते जैसे कि आम वाम तो उनके लिए है कि आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि ये बच्चियाँ सबकी साझा होती हैं, अगर इंसानियत है तो इसका फौरी सो मोटे एक्शन लें। और मेरे और एक बेटा और दो बेटियाँ हैं इसके पास। सर आज का जो वालिद है वो कितना मजबूर है, कितना बेबस है, कितना खौफ का शिकार है। हम पिछले कई दो साल से खौफ सदा है बच्चों को बाहर निकालने से, अब मैं चूंकि उम्र पर बैठ गया, पीछे मेरे साथ ये मिसाब हो गया, मैं इधर नहीं था, और मेरी बच्ची अपनी खाला, मेरी बच्ची अपनी खाला घर से परा बनने गई है, मांग रहे हैं जी सारे लोग से, और आज रात तक अगर इंसाफ न मिला घर से हम अगले अमल का ऐलान करेंगे। घर से जस्ट 100 मीटर का फासला था उसका, और बड़ा मसरूफ थी बाजार है, लेकिन पता नहीं जान जाने उन दरिंदों का कैसे मौका चल गया, वो उसको वो उसमें हौसला नहीं, वो नहीं बात करते। अच्छा जैनब की वो अच्छी आदत सर, वो जैनब 6 साल की बच्ची थी, 6.5 साल की, यकीन करे उसने 4 कलमे याद किए थे, 5-4 कलमे, 5 पैमा याद कर दी थी, और क्लास और अमूमन जब ना वो दुरूशी पढ़ती रहती थी, जो हमारा चलता ना मराज ग्राम दुरूशी अल्लाह मोहम्मद वो माशाल्लाह दुरूशी वो बगैर भाई पढ़ती रहती थी। अच्छा आंटी आप माँ बताएंगी आप जैनब के बारे में हमें थोड़ा बताएं। मैंने क्या बताना है, मैंने तो इंसाफ लेना है, मैंने क्या बताना है, मैंने इंसाफ लेना है, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती, इंसाफ चाहती, मेरे पास जैनब नहीं रही, मैंने क्या बताना है, मैंने कुछ नहीं बताना। आपकी फ्लाइट 30 बजे की।